भारद्वाज पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और वार्ड पार्षदों सहित कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। नमस्कार, मुकाम ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। आज भारद्वाज पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। मोकामा के शिक्षा व्यवस्था को दिन ब दिन बेहतरीन बनाने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। पंकज सर, पप्पू सर, संजय सर, राजीव सर, चंदन सर सहित कई अन्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर श्री हरिकेश मीना सहित कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसी ऐसी प्रस्तुति दी जिसे देखकर लोगों ने खूब सराहा, खूब तालियां बजाई। मोकामा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है और इस प्यारी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं कि आगे बढ़े और इनके पिता में एक सम्मान दिया जा रहा है संस्था के द्वारा। बच्चे के अगर कोई अभिभावक है तो कृपया मंच पे आएंगे। अब आगे एक और हमारी ये सभी बेटी के लिए और मैंने इंटर में 412 अंक से मैंने इंटर में 412 अंक प्राप्त किया है। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैंने इंटर में 399 अंक प्राप्त किए हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं 8 से 407 नंबर लाई हूँ। अमन जी मोकामा नगर परिषद टॉपर है जोरदार तालीम के लिए। अब सेकेंड टॉपर आ रहे हैं। हर टॉपर आ जाए आगे। अमन आ जाए आगे। अब ये बच्चे पहले परिचय प्राप्त आपसे करना चाहते हैं। बारी बारी सभी बोलेंगे बच्चे। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं गोसाईगांव हिराटोला का स्थायी निवासी हूँ। मैंने बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में 458 अंक लाकर मोकामा में टॉप किया। 458 हिंदी 92, सोशल साइंस मैथ 93, SST 94, संस्कृत 85, साइंस 86 और हिंदी 94। 11 नंबर लाकर साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था। यश भारद्वाज है और मैंने मैट्रिक में 450 अंक लाकर अपने मोकामा का नाम रोशन किया। मनाज जी सिरनार से आए हैं, जरा मंच पे आएंगे। अब भारद्वाज पब्लिक स्कूल के जो टॉपर है कृपया मंच पे आए। भारद्वाज पब्लिक के टॉपर स्टूडेंट हमेशा साथ दिए हैं। मनीष जी को सम्मानित करेंगे वीडियो सर और अमरनाथ जी को करेंगे आरपीएफ इंस्पेक्टर सर सम्मानित। इसलिए विद्यार्थी को भी, सामाजिक लोग को भी और शिक्षक को भी है ना ये संस्था सम्मानित करने जा रही है और हमारे आगंतुक लीडर बैठे हुए हैं वार्ड आयुक्त, इस कड़ी के बाद उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा।
में यहाँ उपस्थित मोकामा के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे, उनके अभिभावक, मोकामा नगरवासी और मंच पर भी आप मान जितने भी लोग हैं, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे आज यहां से पुरस्कृत हुए हैं वो भविष्य में और बेहतर प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। मार्क्स कम या ज्यादा लाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य उद्देश्य है आप जो काम कर रहे हैं पूरे मनोयोग से अगर करते हैं तो मार्क्स कितना भी आए वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्क्स तो एक रिफ्लेक्शन है कि आपने साल भर में अच्छी पढ़ाई की है। तो सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि आज आप खुद आप जानते हैं 21st सेंचुरी में जो पढ़ाई का मापदंड है बहुत तेजी से बदल भी रहा है और ग्लोबलाइज भी हो रहा है। तो बच्चों की तरफ से आपके सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे अच्छा लगा। पिछले वर्ष भी आया था और उस बार भी मैंने यही स्कूल में मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं सभी बच्चों से अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ, अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा में नंबर लाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा शिक्षित बनकर एक समाज में कुछ अच्छा काम करो, उसी से आपका शिक्षा का महत्व का पता लगता है। कुछ लोग शिक्षा भी ले लेते हैं लेकिन उस शिक्षा का समाज के प्रति या समाज को कोई फायदा नहीं होता, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा का महत्व तभी है कि आप अपने आप को कुछ सफल बनाएं और साथ में समाज को भी सफल बनाएं। इसके साथ ही मैं रेल की तरफ से भी थोड़ा आग्रह करूंगा कि आप रेल में यात्रा मंच पर आसीन श्री कन्मानी टीचर्स एसएस सबको मेरा नमस्कार है और बच्चों को बहुत बहुत प्यार। शिक्षा व्यक्ति के विकास में मेरुदंड का काम करता है। आप शिक्षित हैं, अगर आप सात्विक रूप से शिक्षित हैं तो शिक्षित नहीं है। कृपया शांति बना के रखें, कार्यक्रम अभी बहुत बचा हुआ है। और अगर आप नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत बड़ा काम है और आप उनको जो भविष्य के लिए मेरी कामना है आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ करें क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ होने की शुरुआत है। अपने आप को पढ़ाई लिखाई में झोंक दीजिए और खूब मन से पढ़ी लिखिए, समाज का, देश का, सबका भला होगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी प्रिय दीदी और सबकी प्रिय अभिभावक के लिए, जोरदार तालियां। सोनू कुमार जी, युवा जोश से नवरे सोनू कुमार जी वार्ड नंबर 18 से हैं, जोरदार तालियां। अवध कुमार जी कृपया आप सर के पास आए। अवध जी दोबारा पुनः समाज सेवक, इन्हें जनता ने दोबारा मौका दिया है, इन्हें ये वार्ड नंबर 4 से वार्ड सदस्य हैं। बहुत जल्द कार्यक्रम फिर अपने रूप में शुरू होगा। बहुत अच्छे से प्रोग्राम बचे हुए हैं, दिल थाम के आप बैठे। मौका दिया है कि वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है सम्मी जी उर्फ जीवन प्रकाश, ये वार्ड नंबर 26 से वार्ड पार्षद है। तालियां बजती रहनी चाहिए। वार्ड नंबर 21 से जीतू सर, कृपया आप आ गया
वार्ड नंबर 20 से जीतू सर, कृपया आप आगे आए। हाँ, ये इन्हें जनता ने दोबारा समर्थ जनता, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। विकास सर कृपया मंच पे आए हैं। रामनगर निशा बहन को और अनुराधा बहन को स्कूटी से सम्मान।